हेडलाइंस के प्रायोजक है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। रूस के एक दिवसीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी, सोची में पुतिन से करेंगे अनौपचारिक मुलाकात, दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें। कर्नाटक में सरकार गठन के तरीके को लेकर आज दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मिलेंगे कुमारस्वामी, सीएम पद साझा करने की खबरों का किया खंडन। बीएसएफ से रैम की भीख मांगने वाला पाकिस्तान देर रात से जम्मू कश्मीर के रनिया में कर रहा है गोलीबारी, सभी स्कूलों को किया गया बंद। यूपी में जारी है ऑपरेशन क्लीन, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हुई दो मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार, दो फरार, पकड़े गए बदमाशों में से एक ने ली है चक्रपाणी महाराज को जान से मारने की फिरौती। आज राजीव गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम, दिल्ली के वीर भूमि में दी जा रही है श्रद्धांजलि। और आखिरी लीग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को दी 5 विकेट से मात, रैना ने जड़ा आईपीएल करियर का 36वां अर्धशतक। लाइन्स के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भाटी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के रूस दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम बनने के बाद मोदी का चौथा रूस का दौरा है। यहाँ पीएम मोदी सोची शहर में पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात में हिस्सा लेंगे। इससे पहले मोदी 27-28 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वुहान शहर में भी अनौपचारिक मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बता दें कि भारत के डिफेंस का 70-80% लॉजिस्टिक्स अभी भी रूस से ही आता है, लिहाजा रूस को वर्तमान हालत में दरकिनार नहीं किया जा सकता। अमेरिका से बेहतर डिप्लोमेटिक काउंटर करने के लिए रूस का साथ बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री बनने जा रहे जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी ने उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ 30-30 महीने के पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रही है। वहीं आज कुमार स्वामी दिल्ली में यूपीए चीफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कुमार स्वामी सरकार गठन के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए अलावा 23 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित भी करेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि मंत्री पद बंटवारे को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के 20 और जेडीएस के 13 मंत्री पद अपने पास रख सकते हैं। कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी की सरकार 23 मई को शपथ लेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कोटे से 20 मंत्री सरकार में शामिल होंगे, हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। वहीं शपथ से पहले सोमवार को कुमार स्वामी राहुल और सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलने आ रहे हैं। ढाई दिन की सरकार गिरी तो कहा गया कि 21 मई को नई सरकार शपथ ले लेगी, लेकिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि की वजह से अब शपथ की तारीख बदल दी गई है। एचडी कुमार स्वामी अब 23 मई को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वेडनेसडे वी आर गोइंग टू टेक बिकॉज ऑन मंडे राजीव गांधी डेथ एनिवर्सरी इज देयर, दैट इज नॉट द प्रॉपर डेट बिकॉज एंटायर कंट्री कांग्रेस वर्कर्स दे आर इन दैट डेथ एनिवर्सरी फंक्शन एट दैट टाइम। सरकार का स्वरूप क्या होगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक दो दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। रिमेनिंग इश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मंडे मॉर्निंग। कांग्रेस के कितने मंत्री शामिल होंगे इसका अंतिम फैसला पार्टी के बड़े नेता करेंगे, मगर ये साफ है कि सरकार चलाने के लिए एक साझा कार्यक्रम बनेगा जिसमें दोनों पार्टियों के लोग शामिल होंगे। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो खासदौर किसान, गरीब और मजदूर और जो हमारे
नौजवान हैं इन लोगों के लिए कार्यक्रम साझा में होना चाहिए। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने का सोच है दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जो है वो शामिल होंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी में। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा करके ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के पाले से डिप्टी सीएम के अलावा 20 मंत्री भी सरकार में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री रह सकते हैं, जिसमें जेडीएस के कोटे से 13 और कांग्रेस के 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम की रेस में कांग्रेस के जी परमेश्वरा सबसे आगे हैं। जी परमेश्वरा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के ऑपरेशन विधायक बचाओ के सूत्रधार डीके शिव कुमार ऊर्जा मंत्री हो सकते हैं। वो पिछले सिद्धरमैया की सरकार में भी ऊर्जा मंत्री थे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये गठबंधन बेमेल है, ऐसे में सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जनादेश का अपमान किया है। जनता ने दोनों पार्टी को हराया, एक को 40 से 37 किया, एक को 122 से 78 किया और बीजेपी को 40 से 104 किया। जिसको बढ़ाया वो सत्ता से बाहर और जिनको घटाया वो सत्ता में आ गए। जनता बदला लेगी इसका। कांग्रेस के 78 और जेडीएस के 38 विधायकों को मिलाकर सरकार आसानी से बन जाएगी और जो हालात है उससे सरकार चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2019 में बीजेपी को टक्कर देना है तो मिलकर रहना होगा। टीम न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। और अब खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 76.57 रुपए प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 67.82 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो पेट्रोल 84 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में यह इससे पहले 14 सितंबर 2013 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 76.06 रुपए थी, 76.06 रुपए, जबकि डीजल नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है। वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी में अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा है। लोगों का कहना है कि कीमत बढ़ने से मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ये पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, कुछ भी है वो कुछ हमारे लिए कुछ सही होगा तभी बढ़ रहा है, कोई वैसे तो नहीं बढ़ रहा, कोई अपनी जेब में नहीं डाल रहा है। देखो, जिसको जितना अफोर्ड कर सकता है तो करेगा ही। अब हमारी जरूरत है तो हम किसी भी हाल में लेंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो डे टू डे लाइफ के लिए कितने मुश्किल आ रही है। मुश्किल होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर दिल्ली के लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। जब क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहा है तो इंडिया में उसको स्टेबल करें। वही देख रहा था, हर अल्टरनेटिव डे मैं पेट्रोल डलवाता हूँ और मेरे जो पेट्रोल पंप वालों से बात भी होती है कि पिछले एक महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े थे। जैसे चुनाव हुआ उसी दिन हमने नोटिस किया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, अब तो बहुत ही बढ़ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि पेट्रोल कम डलवाऊँ, गाड़ी बंद ही कर दूँ चला जाए। वो कर्नाटक इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रत्यय होते हैं, तो ये मोदी या किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बढ़ने। ये चीज़ काफ़ी गलत है कि चुनाव से पहले सरकार ने रोक दिए और फिर चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए। मुझे लगता है कि जो इन्होंने प्रोसेस रखा है उसको चालू रखना चाहिए, चाहे चुनाव आए या जाएं। अगर उन्होंने कोई प्रक्रिया को चालू किया है कि रोज दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, वो चीज़ चालू रखनी चाहिए विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन फॉर कि चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सिर्फ दिल्ली और मुंबई के लोग ही परेशान हैं। पंजाब के लुधियाना में भी लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस तरह की कीमतें बढ़ना गलत है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो बहुत परेशानी वाला काम है जी, अरे आज 80, 82, 84 ऐसे रोज रेट बढ़ रहे हैं, परेशानी वाला काम ही है जी। बस सरकार को भी सोचना चाहिए, जो रो रो रेट बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है, जनता परेशान हो रही है। सर, पेट्रोल का रेट तो दिन पर दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार भी कोई नोटिस मतलब को कोई ज़्यादा इस पर गौर नहीं कर रही, पर जो आम जनता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो भी हो रहा है गलत है, रेट नहीं बढ़ना चाहिए,
क्योंकि गरीब बंदा कहाँ तक जाएगा, दिहाड़ियाँ अजकल मिलती नहीं है, तनख्वाह मिलती नहीं है, तो रेट इतना बढ़ रहा है तो क्या करेगा आदमी। अब आपको हम बताते हैं कि क्या कारण है पेट्रोल के बढ़ने के। दरअसल बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहीं बात करें तो दिल्ली में 76.24 रुपये पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 67.57 रुपये। वहीं मुंबई में बात करें 84 रुपये को पार कर गया पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 71.94 रुपये। वहीं कोलकाता में 78.91 रुपये पेट्रोल की कीमत, तो वहीं डीजल की कीमत 70.12 रुपये। अब अगर बात करें चेन्नई की तो 79.13 रुपये पेट्रोल और 71.32 रुपये डीजल हो गया है। आखिर कच्चे तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? तो बात करें दुनिया भर में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी, इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। सीरिया संकट के चलते उत्पादन में काफी गिरावट आई है, इसकी वजह से भी दाम बढ़ने की बात की जा रही है। तो वहीं वेनेजुएला और ईरान से सप्लाई में काफी कमी आई है। फिलहाल कच्चा तेल जो है $77 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और अगले साल $100 प्रति बैरल पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। आगे बताएं आपको तो कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल आ रहा है, जिससे आपको जो है पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हो चुका है, एक बड़ी वजह। उसके अलावा सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है, वहीं राज्य सरकारें भी वैट नहीं घटा रही हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को चुकाना पड़ रहा है। वहीं बात करें तो तेल कंपनियों पर भी अब सरकार का कोई लगाम नहीं है, कीमतें 56 महीने के टॉप स्तर पर आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान रमजान के पाक महीने में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान देर रात से गोलीबारी कर रहा है। गोलीबारी को देखते हुए बीएसएफ ने गांव वालों से अपने घरों से बाहर ना निकलने को कहा है। वहीं गोलीबारी के कारण आज अरनिया के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सांबा सेक्टर में भी कल पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए बीएसएफ ने पाकिस्तान के कई बंकरों को तबाह कर दिया था। बीएसएफ की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए थे। बीएसएफ की कार्रवाई के सामने घुटने टेकते हुए पाकिस्तान ने बीएसएफ से फायरिंग बंद करने की गुहार की थी, जिसके बाद भारतीय जवानों ने फायरिंग बंद कर दी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है और देर रात से गोलीबारी कर रहा है। इससे पहले रविवार को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लेकिन उसको महंगा पड़ा। बीएसएफ की कार्रवाई में उसके कई बंकर तबाह हो गए। गोलीबारी से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुजारिश की, लेकिन देर रात फिर सीमा पार से लगातार फायरिंग हो रही है। तो पाकिस्तान एक तरफ घुटने टेकता हुआ और दूसरी तरफ इस तरह की बातें। दर्शी पड़ोसी मुल्क अब मांग रहा है माफी। जो पाकिस्तान अब तक गोली की बात कर रहा था, उसे जवाब मिला तो वो हाथ जोड़ने लगा। बीएसएफ की कार्रवाई में जब बंकर तबाह हुए तो पाकिस्तान शांति की बात करने लगा। दरअसल रोज रोज के सीज फायर से तंग आकर बीएसएफ ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान बंकरों के पर खच्चे उड़ गए। डर के मारे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ से सीज फायर की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री 2 दिन के कश्मीर दौरे पर थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा था। जवाब में इतनी गोलियां बरसाई गई कि पाकिस्तान पानी मांगने लगा। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है और जिस प्रकार की वो हिमाकत करता है, जिस प्रकार का उसका कोई भी उसके अंदर जो है कहना चाहिए कोई इंसानियत के नाते जहां कोई वैल्यू नहीं है, वो आज जो है उसने जिस प्रकार से आक्रमण किया सीमा के ऊपर। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था। गोलीबारी में एक जवान समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी हिमाकत से बौखलाए जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की नजर में सीजफायर का कोई मायना नहीं रह गया है। 2018 में अब तक 720 बार से ज्यादा LOC पर सीजफायर का उल्लंघन वो कर चुका है। इस साल अब तक फायरिंग में 33 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 17 जवान शामिल है। बीएसएफ की कड़ी कार्रवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आए। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
इधर चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर फिर ऐसी हरकत की है जिससे नई दिल्ली और बीजिंग के रिश्ते तल्ख हो सकते हैं। दरअसल चीन ने अरुणाचल से लगी सीमा पर अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य शुरू कर दिया है। इस इलाके में सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं का विशाल भंडार मिला है जिसकी कीमत करीब 60 अरब डॉलर यानी 4 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। हांगकांग के साउथ चाइना माइनिंग पोस्ट की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। रिपोर्ट के अनुसार खनन परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि खनन करने के पीछे चीन की मंशा दक्षिणी तिब्बत पर फिर से कब्जा करना है। तो लाल ड्रैगन एक बार फिर से अब कह सकते हैं भारत के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। हमले में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से घायल जवान को बचाया नहीं जा सका है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें उस कायरता की निशानी है जिसे नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में घात लगाकर अंजाम दिया। पीठ पीछे आईईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने जवानों की जान ले ली। आईईडी धमाका इतना घातक था कि गाड़ी और उसमें सवार जवानों के शरीर शत-विशत हो गए। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान सड़क निर्माण को सुरक्षा देने जा रहे थे। नक्सलियों ने रास्ते में मौत का सामान बिछा रखा था। जैसे ही गाड़ी उस जगह से गुजरी जोरदार धमाका हो गया। देवड़ा जिला अंतर्गत किरंदुल से चोला तरफ एक पेट्रोलिंग व्हीकल जा रहा था, उसका आईडी के माध्यम से उड़ाया गया। इसमें सवार हमारा 6 जवान शहीद हो गए, एक घायल हुआ। अभी इसमें जिला बल का और छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान शामिल थे, ये ऑपरेशन ड्यूटी में थे। अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी जिला यूनिट से आना शेष है, जिससे उसके आने के बाद फिर हम संपूर्ण जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। लेकिन अभी तक प्राथमिक जानकारी मिला उसमें 6 जवान हमारा शहीद हो गए थे और एक जो घायल अभी वर्तमान उनका किरंदुल बचेल में इलाज जारी है। यदि आवश्यकता अनुसार उनका एयरलिफ्ट करके रायपुर में भी ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। वारदात के बाद अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेट्रोलिंग मूवमेंट की जानकारी नक्सलियों तक कैसे पहुंची। इलाके में जो अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो जिला पुलिस बल है वो सर्चिंग अभियान कर रहे हैं और एग्जैक्टली इसमें घटना में कौन सी फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से जो घटना हुआ ये पूरा भी सर्च कर फिर पता करवा रहे हैं। और इन लोगों के विरुद्ध में भी प्रभावी रूप से भी अभियान भी संचालित होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में भी उनका जो इंजर्ड है उनके इवैक्यूएट करने के लिए अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के इस इलाके में राजनाथ सिंह और सीएम रमन सिंह भी जाने वाले हैं। ऐसे में दौरे से पहले इस वारदात को सुरक्षा पे बड़ा सवाल माना जा रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि नक्सली नाकेबंदी से बौखला गए हैं और विकास की रफ्तार को रोकने के लिए अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली घटना हुई जिसमें एक पुलिस जवानों के बस को ब्लास्ट किया गया। हमारे जवान 4 शहीद हुए, 3 गंभीर घायल हुए। ये विकास का विरोध जिस प्रकार से नक्सली करते हैं, डेवलपमेंट के काम से हमेशा नक्सलियों को जिस प्रकार ये शहीद जवानों को निशाना बनाया जाता है, इसी कारण हरकत को देखते हुए पूरे देश में इस बात की चिंता है और हम इन घटना का मुठभेड़ भी जवाब देंगे। इससे पहले 13 मार्च को सुकमा के पलोदी में आईडी ब्लास्ट कर एंटी लैंड माइन वाहन को उड़ा दिया था। इसमें 9 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा के दोरनापाल में सीआरपीएफ जवानों को एम्बुश में फंसाकर हमला किया गया जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे। इसी तरह 11 मार्च 2017 को नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को ही निशाना बनाया था जिसमें 11 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इन हमलों के बाद सुकमा और दंतेवाड़ा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हावड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिपुरा में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि बारिश और बाढ़ से हुई अलग अलग जगहों में 2 लोगों की जान चली गई है। हावड़ा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिससे 5,000 परिवार बेघर हो गए हैं। इन परिवारों को शिविरों में पनाह दी गई है। वहीं मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वहीं घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद देने की बात की गई है। प्रशासन के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में जलस्तर कम हो जाएगा। वहीं लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ समेत राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें हावड़ा नदी के आसपास के इलाकों में राहत और बचाव का काम कर रहे हैं।
अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ ने कैसे लोगों को प्रभावित किया है। लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, हालांकि प्रशासन मुस्तैद दिखाए लोगों के लिए शिविरों में रहने से लेकर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है, लेकिन लोग अपने घर से बाहर निकल के मजबूर हैं क्योंकि पानी का कहर जो है साफ तौर पर उनके लिए मुसीबत बन गया है। हाँ, मेजोरिटी जगह पे खाने का इंतजाम हो चुका है, तो कुछ लोग जो बाद में आए उनके लिए भी खाने का इंतजाम चल रहा है, और अभी तो रात के टाइम में भी सभी लोगों को फिर से खाने का और सभी पानी का रहने का इंतजाम सभी जगह पे स्कूल्स में रिलीफ सेंटर्स में हमें किया गया है। सर, वाटर लेवल की अभी कम रहा है, काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट है और हल्के से इंक्रीज हुआ है। अभी हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4 घंटे में पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में आज से पानी संकट गहरा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हरियाणा 21 मई यानी आज तक तो पानी देने के लिए पर राजी था, लेकिन अब फिर से उसके बाद फिर से संकट मंडराने लगा है। सीएम केजरीवाल ने इस बाबत पीएम को चिट्ठी लिखकर लुटियन जोन में पानी रोकने की बात कही है। दिल्ली में कहां से कितना पानी आता है और इस वक्त इसकी क्या स्थिति है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जिस दिल्ली की दमक पर देश इतराता है वो महानगर पानी के लिए तरसता है। जी हां, देश की राजधानी में एक बार फिर पानी का संकट हो चला है। हरियाणा की मेहरबानी नहीं हुई तो 21 मई से दिल्ली बूंद बूंद को तरस सकती है। गर्मियों के दिनों में वैसे ही पानी की सप्लाई कम हो जाती है, ऊपर से हरियाणा की कटौती की धमकी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक अपर यमुना रिवर बोर्ड में अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सभी इलाकों में समान मात्रा से पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि सिर्फ गरीब लोग ही पानी की किल्लत से ना जूझें। गर्मी की वजह से दिल्ली में रोजाना 916 एमजीडी पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि उसकी तुलना में सिर्फ 851 एमजीडी पानी ही दिल्ली को मिल रहा है। आलम यह है कि वजीराबाद का पौंड लेवल 674.5 फीट से घटकर 671 फीट रह गया है। पानी की कमी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने वीआईपी एरिया में पानी संकट गहराने की आशंका जताई है। ट्यूबवेल के साथ साथ दिल्ली को गंगा, भाखड़ा और यमुना से पानी मिलता है। बात करें हरियाणा की तो वहां से 3 रूटों से पानी दिल्ली को आता है, यमुना कैरियर लिंक और दिल्ली सब ब्रांच कैनाल। यमुना से 375 एमजीडी पानी आता है, जिसमें से 95 एमजीडी पानी चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चला जाता है, जबकि 123 एमजीडी पानी वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है। इसी तरह हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को 210 एमजीडी पानी यमुना और भाखड़ा दोनों से मिलता है। दिल्ली में 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। सबसे ज्यादा असर चंद्रावल और वजीराबाद प्लांट पर हो रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को लिया जा रहा है ताकि किसी भी इलाके में पानी की किल्लत ज्यादा ना हो। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होने की आशंका है उनमें लुटियन जोन, एम्बेसी एरिया, मूलचंद, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, लोधी रोड, निजामुद्दीन, दिल्ली कैंट, आईटीओ, इंडिया गेट, कनाट प्लेस, जनकपुरी, पंजाबी बाग, मोती नगर, मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन, सिविल लाइन्स और अशोक विहार शामिल हैं। दरअसल यह संकट हरियाणा के पानी सप्लाई रोकने की धमकी के बाद मंडरा रहा है। हरियाणा ने पानी पर दिल्ली के अधिकार का विरोध करते हुए आंशिक रूप से सप्लाई रोक दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को आदेश दिया था कि 21 मई तक पानी की सप्लाई बाधित ना हो। अब 21 मई करीब है, ऐसे में दिल्ली सरकार को फिर से पानी सप्लाई बाधित होने की चिंता सताने लगी है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 27वीं पुण्यतिथि है। आज देश भर में कांग्रेस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में वीर भूमि पर भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल 21 मई 1991 में लिट्टे उग्रवादियों ने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। और अब रुख करते हैं खेल जगत का। आईपीएल 11 के आखिरी लीग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया है। इस हार के साथ ही पंजाब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया। 154 रनों के लक्ष्य को चेन्नई ने 19.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
सुरेश रैना ने 61 रनों की पारी खेली और अपने आईपीएल करियर का 36वां अर्धशतक लगाया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने 16 रन की पारी में अपने 4000 रन पूरे किए। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। और मैच जीतने के बाद धोनी का मैदान पर एक अलग ही अंदाज दिखा। मैच के बाद डैडी धोनी मैदान पर बेटी बेबी जीवा के साथ मस्ती करते नजर आए। मैदान पर जीवा धोनी की टोपी के साथ खेलती दिखी। धोनी भी जीवा के साथ खेल रहे थे। डैडी धोनी और बेबी जीवा की मस्ती के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एक्शन टीसा। एक्शन टीसा